मुंब्रा के बीचों बीच बन रहा है सबसे लग्जरियस और प्रीमियम प्रोजेक्ट डीजेड सिटी। कंप्लीट मॉडर्न एमिनिटीज और कंप्लीट कनेक्टिविटी देता है आपको डीजेड सिटी। डीजेड सिटी की टीम प्रॉमिस करती है आपको क्वालिटी और ऑन टाइम डिलीवरी। डीजेड सिटी के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबरों पर कॉल करें। हिंदुस्तानी रिपोर्ट में आपका स्वागत है। 5 अगस्त कलवा मुंब्रा में पूर्व मंत्री तथा मौजूदा विधायक जितेंद्र अंबाड़ का जन्मदिन। इस मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संगठन की तरफ से कई तरह के प्रोग्राम जो है वो आयोजित किए गए। सबसे पहले तनवर नगर स्थित 2 अपार्टमेंट में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो मध्यवर्ती कार्यालय है अध्यक्ष शमीम खान का, यहाँ पर सबसे बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रमाण पत्र वितरण से लेकर के व्हील चेयर, स्कूली बच्चों को स्कूल बैग और कई तरह की चीजें यहाँ पर बाकी है। इसके अलावा अमृत नगर दरगाह रोड पर पूर्व नगर सेवक अशरफ पठान, उनकी बेटी मर्जिया पठान, इनकी तरफ से भी यहाँ पर जो है एक प्रमाण पत्र शिविर, आई चेक कैप, आधार कार्ड, ऐसे अलग अलग प्रोग्राम जो है यहाँ पर आयोजित किए गए थे। किस तरीके से ये प्रोग्राम का आयोजन रहा, कैसे विधायक जितेंद्र अंबाड़ ने इस पर हाजिरी लगाई और किस तरीके से इसका समापन हुआ है, देखिए आज की हमारी इस खबर। और कैसे उनके दुख बांट के लिए आप खुश है, खुश रहिए, आपके खुशी में हमें नहीं आना है, पर आप दुखी है तो उस दुख को हम हमारे में बांटना चाहते हैं। खुशी तुम्हारी हो पर दुख हमारा हो। हम हमारे मुंब्रा में किसी को दुखी नहीं देखना चाहते, इसलिए शमीम भाई के नेतृत्व में अनाज बांटा जाता है, हॉस्पिटल का बिल भरा जाता है, कोई यदि कुछ आता है त्योहार तो दूध दिया जाता है, अनाज दिया जाता है, हॉस्पिटल का बिल कम किया जाता है। जो जो हमारे हाथ में और हम जिसके लिए काबिल है वो हरेक काम हमको करना है। जब जन्मदिन पे मैं इनको बात कहूंगा तो यही कहूंगा कि लोगों के आंख में आने वाले आंसू पोंछने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल करो, चाहे उसके घर में जब आनंद हो तब वो हमें न बुलाए, कोई गम नहीं, पर जब वो मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई रो रहा है घर में बैठ के, तो बिना बुलाए उसके घर में चले जाओ और पहले उसके आंसू पोंछने के लिए मदद। वोटिंग होती रहेगी, पार्टी का समर्थन होता रहेगा, लेकिन लोगों का दिल जीतना ये बड़ी बात है और वही हमारा मतलब होना चाहिए, वही हमारा फोकस होना चाहिए। और इसके लिए आज के एक बात काम करिए, जश्न ऐसे जश्न के माहौल तो बहुत आते रहेंगे, लेकिन बढ़ते हुए दुख को नजरअंदाज मत करिए, ये दुख बहुत दर्द देने वाला है। खुदा हाफिज। मर्जिया, आज फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन कैंप, आई चेक कैंप और बहुत सारे नोटबुक वितरण वगैरह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, क्या वजह थी इन तमाम कार्यक्रमों की कि आज के दिन आयोजन की? देखिए, हम लोगों ने लास्ट वीक जो है डॉक्यूमेंट्स का कैंप रखे थे, जिसमें इनकम सर्टिफिकेट और रेजिडेंशियल डोमिसाइल, सीनियर सिटीजन के फॉर्म्स भर रहे थे। आज अवार्ड अंकल का बर्थडे है तो हम लोगों ने इसलिए एक हफ्ता पहले बनाए, मतलब कैंप रखे थे, ताकि 1 वीक में 5 डेज में वो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाए एंड एज अ यू नो, मतलब हम लोग पब्लिक को बुलाकर उनके हाथ से वो सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। तो 1000 से ज़्यादा लोगों ने उस टाइम फॉर्म भरे थे, 700+ लोगों के डोमिसाइल, इनकम सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन, ये सारे कार्ड्स आ गए और आज हमने उनको अवार्ड अंकल के हाथ से डिस्ट्रीब्यूट किया। साथ ही में हमने आज राशन कार्ड का कैंप रखा, आधार कार्ड का कैंप रखा, आई चेकअप और मुफ्त में चश्मे बांटने रखे और हेल्थ चेकअप भी रखा। साथ ही में हमने बुक्स भी मुफ्त में बांटी, जो हम पहले भी बांट रहे थे और आज भी हमने एक्स्ट्रा मंगवाई, ताकि हम एक मेगा तरीके से एक सोशल वर्क कर सके पब्लिक के लिए अवार्ड अंकल के हाथ। आज ये तमाम जो कैंप के अंदर आप लोगों ने अलग अलग फैकल्टीज के प्रोसेस रखे थे, टोटल कितने लोगों ने इसका फायदा उठाया? जैसे मैंने आपसे कहा कि 1000 लोगों ने जो है डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म्स जमा किए थे, 700+ सीनियर सिटीजन, ये सब कार्ड आ गए,
उसके बाद जो चश्मे हैं मुफ्त में जो हमने बांटे हैं वो 700 चश्मे हमने बांट दिए हैं। आधार कार्ड 350 लोगों के हुए हैं, अब वो उनके बन के उनके घर पे पोस्ट हो गए। हमने आधार कार्ड का जो कैंप है कल के दिन भी रखा, एक दिन एक्सटेंड किया, बिकॉज आधार कार्ड की बहुत ही डिमांड रहती है हर बार। सो इसलिए हमने आज ही कूपन दे दिए। कल हम लोग एक दिन उनसे रिक्वेस्ट करके ऑफिस में रखने वाले हैं। अच्छा। और राशन कार्ड के 400 प्लस जब लास्ट गई थी तो वो फॉर्म सबमिट हो रहे थे, अभी आज सबमिट हुए हैं। जैसे पिछली बार ही मैंने उसका फॉलो अप करके फिर उसके बाद में जितने ज़्यादा हो सकते उतने ज़्यादा लोगों को राशन कार्ड बनवा के दिए थे, अशरफ शानू पठान के एफर्ट्स में और उनकी सारी टीम के एफर्ट्स के साथ। वैसे ही हम लोगों ने आज सारे डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं, वापस से हम जल्दी ही इंशाल्लाह उनके राशन कार्ड की उन तक पहुँच जाएंगे। Thank you.